नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का महत्वपूर्ण तथ्य। तो यह उत्तर प्रदेश की आने वाली परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO, RO, UPPCS इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि दोस्तों आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो इसे एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा, आपको पक्का यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और दोस्तों, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ से ज्वाइन करके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों का सही क्रम है। तो यह है आपका सबसे पहला जो है वह कानपुर, दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पर है गाजियाबाद, चौथे पर आगरा, पांचवें पर जो है वाराणसी, और छठवें पर जो है वह आपका मेरठ है, और सातवें पर वह प्रयागराज। तो प्रश्न भी पूछा जाता है यहाँ से कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही या 10 लाख से अधिक नगरों की वैधानिक जो एग्जैक्ट संख्या कितना है, तो वह 7 है, टोटल 7। नेक्स्ट जो है वह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, तो यह बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 19,98,12,341 टोटल जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की 19,98,12,341 जो है टोटल पॉपुलेशन है। यह पूरे भारत का 16.51% है। तो प्रश्न भी पूछा जाता है पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में कितना निवास करते हैं, तो 16.51%। अगला फैक्ट जो है वह धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है, तो वह है सिख। पहले स्थान पर है आपका हिंदू, दूसरे पर मुस्लिम, तीसरे स्थान पर जो है सिख हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है कौन सी है, तो वह माहीगीर जनजाति है जो कि बिजनौर जिले में निवास करती हैं। नेक्स्ट है मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है, कहाँ पर, तो यह रामपुर में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो यह कौशाम्बी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है, तो यह है कौशाम्बी में। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है किन्हें, तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है कहाँ, तो यह नरौरा में है। और अगला जो है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है कहाँ पर, तो यह देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया किसे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है वह परहिया जनजाति निवास करती है कहाँ पर, तो परहिया जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। आगे आप देखते हैं यह आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कई बार जो है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में देखने को मिला है, तो कनक भवन कहाँ है, तो यह अयोध्या में। कामतगिरी पर्वत कहाँ है, तो चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग यह बांदा में है। देवा शरीफ बाराबंकी में। तो यह मिलान करने के लिए आता है इस तरह के प्रश्न, तो याद रखिएगा इसे भी। अगला जो है देखते हैं उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, तो यह है आपका शारदा नहर, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेसवे है, तो यह ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच है यमुना एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई है वह 165.5 किलोमीटर। तो कभी कभी लंबाई भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई आप लोग याद रखिए 165.5 किलोमीटर है, और ये ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच है। नेक्स्ट है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ, तो यह झांसी में स्थित है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जो भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित है, तो यह है आपका सिंगरौली क्षेत्र, सोनभद्र जिले में है। और नेक्स्ट है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, तो यह फिरोजाबाद में, पूर्व में यह गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित था लेकिन अब इसे फिरोजाबाद में स्थापित किया जा रहा है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पर? तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में आकर मिलते हैं। तो कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसे भी। और नेक्स्ट जो है यह भी आपका सूची वन को सूची टू से मिलान करने के लिए दिया जाता है। तो कौशाम्बी में कौन सा मठ है? तो घोषित राम मठ है। कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। और श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप है। तो यह मिलान करने के लिए दिया जाता है इस तरह का प्रश्न। आगे अब देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पर? तो यह आगरा में आयोजित किया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव। नेक्स्ट है उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब प्रदान की गई? तो उर्दू को उत्तर प्रदेश की सेकेंड द्वितीय राजभाषा के रूप में 1989 में इसे मान्यता प्रदान की गई। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है कहाँ पर? तो यह गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है? तो यह आंवला बरेली में की गई है। आंवला एक जगह का नाम है जो कि बरेली जिले में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है? तो यह उन्नाव जनपद में है। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो उन्नाव जनपद में। उसका नाम एक और है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। नेक्स्ट है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कुल 18 मंडल हैं और 75 जनपद हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है? तो यह है उत्तर प्रदेश में गोंड समूह की सर्वाधिक जनसंख्या है। और नेक्स्ट है जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और यदि पारिस्थितिक क्षेत्र पूछा जाएगा तो 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। तो ज़्यादातर आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यदि पारिस्थितिक क्षेत्र पूछा जाएगा तो 20 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ? तो यह बिठूर में स्थापित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो यह ललितपुर जिले में यूरेनियम का एक जो है भंडार की खोज हुआ है। और ललितपुर जिले में ही जो है तांबा भी पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला जो है याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है ललितपुर जो कि मध्य प्रदेश से जो है तीन तरफ से घिरा हुआ है। और सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो कि चार राज्यों को टच करता है। तो मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार को यह सोनभद्र जिला टच करता है। अगला जो है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है कहाँ? तो यह बांदा में किया जा रहा है काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा यह गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो मथुरा में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए प्रश्न भी सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो यह मथुरा में होता है। नेक्स्ट है चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है? तो यहाँ जो है चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है दूसरा नहीं तीसरा है। दूसरे स्थान पर जो है वह पंजाब है। पहले स्थान पर जो है वह आपका पश्चिम बंगाल है। तो चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। दूसरे पर है आपका पंजाब। तीसरे पर उत्तर प्रदेश हो गया। पहले दूसरे नंबर पर था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट है चिलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है कहाँ? तो बुंदेलखंड जनपद में चिलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो 1937 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं। और विधानसभा में जो है
सीटों की जो संख्या है वह 404 है, 403 वह वह जो है चुने जाते हैं और एक जो है मनोनीत किया जाता है, एक सदस्य मनोनीत किया जाता है जो कि एंग्लो इंडियन। तो टोटल सीटों की संख्या पूछा जाएगा यानी सदस्य कितने हो निर्वाचित किए जाते हैं, तो 403 और एक मनोनीत किया जाता है, टोटल संख्या कितना है तो 404 है। नेक्स्ट है संत कबीर की निर्वाण स्थली कहाँ है, तो यह मगहर में है। नेक्स्ट है दीपावली पर शोक मनाते हैं, तो यह थारू जनजाति के लोग दीपावली पर शोक मनाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो यह आपका सोनभद्र जनपद सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में कब सूचीबद्ध किया, तो वर्ष 2003 में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2 जनजातियाँ केवल जो है निवास करती थी, यानी कि उनको मान्यता प्राप्त था जनजातियों का, थारू जनजाति। बुक्सा जनजाति, तो 2 ही जनजातियों को इससे पहले जो है जनजातियों का मान्यता प्राप्त था, थारू और बुक्सा जनजाति को, और 2003 के बाद से 10 नई और जनजातियों को जनजाति भारत सरकार द्वारा जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो टोटल कितनी अब हो गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में 12 जनजातियाँ। तो देख लेते हैं उन जनजातियों को जो 2003 में जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं। तो सबसे पहले जो है वह गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड, तो यह महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर व सोनभद्र जिलों में निवास करते हैं। और दूसरा जो है खरवार और खैरवार जनजाति, तो यह देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में निवास करते हैं। और तीसरे जो है वह सहरिया जनजाति, यह ललितपुर जिले में निवास करते हैं। चौथा जो है परहिया जनजाति, यह सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। और पांचवा है बैगा जनजाति, तो यह सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। और छठवां है पखा और पनिका जनजाति, यह सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में निवास करते हैं। और नेक्स्ट है आपका अगरिया जनजाति, तो यह सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। और आठवां है पठारी जनजाति, यह सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। और नेक्स्ट है आपका चेरो जनजाति, तो यह सोनभद्र और चंदौली जिलों में निवास करते हैं। और दसवां है आपका भुइया और भुनिया जनजाति, यह सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। तो टोटल जो है 10 जनजातियों को भारत सरकार द्वारा 2003 में सूचीबद्ध किया गया। और इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2 जनजातियाँ निवास करती थी, थारू और जो है बुक्सा जनजाति। तो दोस्तों ये था जो है उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।